हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेसबुक आपका डेटा चुराने की फिराक में है और इस बार उन्होंने टारगेट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वेल, जिन लोगों ने भी पिछले साल का जो इनकम टैक्स है उसकी फाइलिंग सही समय पर कर दी है, उन्हें एक ईमेल जरूर मिला होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। उन्होंने इस बात की तारीफ की है कि जिन लोगों ने भी सही समय पर इनकम टैक्स फाइल किया है वो एक प्राउड फाइलर हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने लिखा है, वी आर प्राउड ऑफ द ऑनेस्ट टैक्स पेयर। और यकीन मानिए, जब मैंने इस मैसेज को पढ़ा तो मुझे भी बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी सही समय पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया था। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये ईमेल आया था उसमें जो खास तौर पर ये चित्र लगी हुई थी, ये चित्र काफी चौंकाने वाला था। क्योंकि एक तरफ जहां ये लोगों को प्राउड फाइलर बता रहे थे, तो वहीं इस पिक्चर में ये भी लिखा था कि आप जो है अपना जो ये प्राउड फाइलर होने का जो ये गौरव है वो अब आप फेसबुक पर भी शेयर करें। और इसके लिए उन्होंने बताया तरीका कि आप जो है फेसबुक के मोबाइल ऐप पर जाइए, वहां पे अपने प्रोफाइल पिक्चर पर सेलेक्ट कीजिए कोई एक पर्टिकुलर फ्रेम, उसमें ऐड कीजिए, उसके बाद सर्च कीजिए प्राउड फाइलर और सेव कीजिए। इससे फेसबुक पर जो है वो आपकी इमेज जहां पे रहती है, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर रहता है, वहां पे प्राउड फाइलर लिखा होगा। तो आप पूछ सकते हैं कि भला इससे हमारे डेटा को क्या नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे फेसबुक को ये बताने की जरूरत है कि हाँ मैंने टैक्स फाइल किया है। फिर फेसबुक को इससे इस बात की जानकारी होगी कि मैंने टैक्स फाइल किया है। अब जो लोग भी टैक्स फाइल करते हैं उनकी एक पर्टिकुलर इनकम रेंज होती है। कोई व्यक्ति जो टैक्स फाइल करता है उसकी इनकम स्लैब 10%, 20% या 30% के रेंज में होती है, तभी जाकर वो अपने इनकम पे टैक्स देता है। तो कहीं ना कहीं जब हमने सही समय पर अपने इनकम टैक्स को फाइल किया है, इसका मतलब हम कुछ वैसे लोगों की श्रेणी में आते हैं जो कुछ ना कुछ इनकम करते हैं। तो हो गई आपकी जानकारी यहाँ फेसबुक के साथ शेयर। तो फेसबुक को आपने यहाँ बता दिया कि मैं कमाता हूँ, मेरी इनकम है और इसलिए मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ। दोस्तों, ये बात खुशी की है कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन इसे फेसबुक पर बताने की क्या जरूरत है? क्यों आप फेसबुक जैसे एक बाहरी कंपनी को ये बताना चाहते हैं कि हाँ मैंने अपने देश में इनकम टैक्स पे किया है? क्यों आप फेसबुक जैसी बाहरी कंपनी को ये बताना चाहते हैं कि हाँ मैंने इनकम टैक्स फाइल किया है? तो दोस्तों, भूल कर भी फेसबुक का ये जो नया बैज बिल्ला लगाने का प्रोसेस शुरू हुआ है, इसमें आप शामिल ना हो। ये आपके फाइनेंशियल डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने जैसा हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि फेसबुक में जो ऐप ये तरह तरह के डेवलप होते हैं, इसमें फेस रिकॉग्निशन भी होता है। फेस रिकॉग्निशन कर ये एक ही ग्रुप में मौजूद बहुत सारे लोगों की तस्वीरों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और ये टैग करके बताते रहते हैं कि आपकी फोटो को किसने टैग किया। आपने कभी गौर किया कि फेसबुक ने जब कभी एक बार कोई एक फोटो हो जिसमें बहुत सारे आप लोग दोस्त मौजूद हों, तो उन सभी दोस्तों तक ये नोटिफिकेशन कैसे भेज सकता है कि आज आपके एक दोस्त ने आपकी एक फोटो पोस्ट की है? दरअसल फेसबुक के पास ये फेस रिकॉग्निशन का जो सॉफ्टवेयर है वो है, और उसके माध्यम से वो आपका डेटा आपके दोस्तों तक भी पहुंचाते रहते हैं। इसलिए आपके दोस्त क्या करते हैं, वैसी एक्टिविटीज भी आप तक जानकारियां आती रहती है। अब जो ये नया फेसबुक का ये जो नया इशू आया है, इसके तरीके से बहुत सारे लोग ये जान सकेंगे कि आपने टैक्स फाइल किया है और आपके फाइनेंशियल डेटा के बारे में थोड़ी जानकारी तो उन तक पहुंच ही जाएगी। मेरे हिसाब से ये न सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। आप अपने प्राइवेसी को लेकर सतर्क हों और कभी भी फेसबुक पर इस तरह के जो भी स्कीम चलाए जा रहे हैं उसमें शामिल ना हों। तो दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर बात की। हमने उनसे पूछा कि ये जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है, ये प्रोसेस क्या है और क्या उन्हें इसके रिस्क के बारे में पता है। तो हेल्पलाइन नंबर पे जो वहाँ पे कस्टमर केयर पे बैठे थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही कैजुअली लिया कि नहीं, इससे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, ये इशू बिल्कुल ऐसा है जिसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको मैं वो पूरा ऑडियो कॉल यहाँ सुनाता हूँ, आप इसको एक बार सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए कि आपकी जो प्राइवेसी है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? क्या आप इस तरह के जो फेसबुक बैच का जो ये पूरा चलन शुरू होने वाला है उसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपको क्या नुकसान नहीं होगा? तो दोस्तों, इस पूरे मामले पे मैंने जो है वो जो मुझे ईमेल आईडी दी गई उस पे मैंने मेल भी किया है और मुझे अभी इस बारे में जवाब का इंतजार है।
फिलहाल आप लोगों को सतर्क करना मेरी ड्यूटी है जो मैंने किया है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें, और आप इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इस चीज़ को समझें और इस तरह की किसी भी स्कीम में शामिल ना हों। थैंक यू। एक्चुअली में मैंने जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स जो ई फाइलिंग होती है वो ई फाइलिंग की है, और उसके बाद जो है मुझे एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ईमेल आया है। उस ईमेल में वो कह रहे हैं कि आप एक प्राउड टैक्स पेयर हैं, और इसलिए आप अपने अपना जो फोटो है उसको फेसबुक के ऐप में जाके अपलोड कीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, पता चला। पैन नंबर जान सकता हूँ? हाँ पैन नंबर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये क्या मतलब है, क्या एग्जैक्टली मैं ये मतलब कुछ भी नहीं है सर, वो आपका प्राउड टैक्स पेयर करके आपका फेसबुक प्रोफाइल पिक रहता है ना। हाँ हाँ वो प्रोफाइल पिक में आपको फ्रेम आएगा सर, यू आर द प्राउड टैक्स पेयर करके एक फ्रेम आएगा, वो फ्रेम डाल सकता है सर। लेकिन ऐसा करने से मतलब क्या फेसबुक पे जो लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग इसको देखेंगे, तो इससे किसी भी तरह से हमारा जो डेटा है वो फेसबुक को एक्सेस नहीं होगा क्या? नहीं होगा सर, सिर्फ उधर लिंक दिया सिर्फ आपका प्राउड प्राउड भी अटैच कर। नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है, ये ऐप तो फेसबुक फेसबुक का ऐप है, और उस फेसबुक के ऐप के थ्रू आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहे हो कि मैं अपना फोटो जो है फेसबुक के डिस्क्लोज नहीं होगा सर। नहीं कैसे, मैं यही समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आप कैसे फेसबुक जैसी कंपनी के साथ बोल रहे हो शेयर करने के लिए, क्योंकि फेसबुक जो है वो प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं करती है ना आपकी। इसका मतलब ये आपका डेटा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं होगा सर, सिर्फ आपका प्रोफाइल पिक का फ्रेम डालने के लिए उतना ही इंफॉर्मेशन भेजा है। और आप इस बात के लिए 100% श्योर हैं कि वो जो फेसबुक ने बनाया है आपको उसमें उसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा? आपको क्यों भेजा है? मेल भेजा है इसलिए नहीं है सर, कुछ भी डेटा डिस्क्लोज नहीं होगा। ओके ओके, तो आपको आपको ये चीज किसी को भी डिस्क्लोज नहीं होगा, सिर्फ आपका प्रोफाइल का फ्रेम डालने के लिए उतना ही ऑप्शन दिया है बस। ओके और कुछ भी नहीं होगा। ओके तो ये जो ऐप है ये फेसबुक ने बनाया है, ठीक है, इसमें क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या बातचीत करके रखी है पहले से? क्योंकि आपको पता है कैम्ब्रिज एनालिटिका का इश्यू क्या हुआ था कुछ सालों पहले यूएस इलेक्शंस में, फेसबुक के ऐप के थ्रू उन लोगों ने हजारों करोड़ों लोगों का डेटा एक्सेस किया था। वो एक मिनट आपका डिपेंड था सर, आप करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो आपको इग्नोर भी कर सकते, डिपेंड था अपन यू। नहीं मैं इसीलिए मैंने क्योंकि ये पूरे इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। पैन नंबर दीजिए, मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ, आपका क्या क्वेरी हो मेल में राइज कीजिए, वो रिप्लाई देगा सर। ओके सर, मैं आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ, नाम क्या है पैन होल्डर का? ठीक है नंबर मेल आईडी लिख लीजिए, आपका क्या दिक्कत हो मेल भेज दीजिए, वो कंसर्न टीम में आपको चेक करके रिप्लाई प्रोवाइड करेगा। वन सेकंड मुझे आप ईमेल आईडी बता, फीडबैक का ऑप्शन दिया, आप फीडबैक भी दे सकता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो फीडबैक भी दूंगा और यहाँ पे इनसे भी बात करूंगा, आप मुझे वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देंगे? ई फाइलिंग हेल्प डेस्क। ई फाइलिंग हेल्प डेस्क इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट आई एन incometax.gov.in। ओके ठीक है, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग डेटा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आपको पता नहीं है सर, सिर्फ आपका फ्रेम कैसे डालना है उतना ही नेविगेशन आपको बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके वेलकम सर, ई फाइलिंग को धन्यवाद जी, थैंक यू थैंक यू।